आदिवासी कृति समिति की ओर से बीते 27 सितंबर से अपनी विविध मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शहर के संविधान चौक पर शुरू है। इस दौरान विपक्ष दलों के विधायकों द्वारा इस आंदोलन को भेंट दी गई थी, लेकिन आदिवासी विभाग के मंत्री द्वारा इसकी दखल नहीं ली गई थी। आखिरकार आज आदिवासी विकास विभाग के मंत्री विजय कुमार गावित ने आज आंदोलन को भेंट दी और सभी मांगे मान्य होने की बात भी कही। आपको बता दें कि आदिवासी कृति की ओर से कुछ इस तरह से मांगे रखी थी कि अन्य दूसरे जाति धर्म समाज को इस आदिवासी समाज में शामिल नहीं किया जाए। साथ ही दूसरी मांग थी कि सुरापड़ी में गोंडवाना म्यूजियम बनाया जाए। ऐसी दोनों मांगे पूरी करने का आश्वासन आज आंदोलनकारियों को विजय कुमार गावित की ओर से दिया गया। कुठलाही जाती जमातीची समाज आहे त्या समाजाला आदिवासी मध्ये घ्या अशा पद्धतीची शिफारस आम्ही कुठलीही करणार नाही। आणि दुसरी मागणी त्यांची होती सुरापर्डी येथे आपण या ठिकाणी ते म्युझियम आहे गोंडवाना ते तिथे उभारावं, तर ते सुद्धा आम्ही सुरापर्डी येथे उभारू आणि डिसेंबर मध्ये त्याचं भूमिपूजन करून कार्यक्रमाला सुरुवात करू। हो कसं आहे डीबीटीच्या काही डीबीटी आम्ही बंद केले आहेत ज्याच्यावर मंत्रिमंडळाची एक कमिटी आहे आणि त्याच्या अगोदर एक सेक्रेटरींची कमिटी आहे, त्या सेक्रेटरी समोर जावं लागतं आणि ती कमिटीची मीटिंग घेऊन ती रद्द करतात। पण मी त्या कमिटीला रद्द करण्याची शिफारस करून ते रद्द करून देईन। मी बघा सर्वसाधारणपणे अशा पद्धतीचे आंदोलन होतात, त्या आंदोलनामध्ये जे सहभागी असतात त्यांना शासन घेण्याच्या बाबतीमध्ये निर्णय करतात, त्याच पद्धतीची विनंती मी माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना करेन। तो दूसरी ओर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों द्वारा कहा गया कि 27 सितंबर से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन अनशन आज आदिवासी विकास विभाग के मंत्री विजय कुमार गावित की ओर से भेंट देने की बात भी शुरू है, क्योंकि सभी मांगे लिखित रूप से मान्य नहीं की गई है। मंत्री महोदय या ठिकाणी आलेले आहेत, यांनी आम्हाला फक्त आश्वासन आमच्या तोंडाला पाणी पुसलेले आहे, परंतु जोपर्यंत आदिवासी समाजाला लेखी स्वरूपामध्ये ते देत नाही, पूर्ण ज्या मागण्या आहेत त्या लेखी स्वरूपात मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहणार। कारण प्रत्येक वेळेस आदिवासी समाजाला या राजकीय पार्ट्यांनी गृहीत पकडलेलं आहे, म्हणून आज कुठेतरी अहो आज उपमुख्यमंत्र्याच्या शहरामध्ये आदिवासी समाज आंदोलनावर बसलेला आहे। उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी येऊ शकत नाही, उपमुख्यमंत्री ओबीसी आंदोलनमध्ये जाऊ शकतो, उपमुख्यमंत्री मराठा आंदोलनमध्ये जाऊ शकतो, पण उपमुख्यमंत्री आदिवासींच्या आंदोलनमध्ये येऊ शकत नाही। ही मनुवादी मानसिकता आहे, आदिवासींना हा डावरण्याचा प्रयत्न आहे। जो आदिवासी समाज आज शैक्षणिक प्रवाहामध्ये येऊन कुठेतरी कॉम्पिटिशन करत आहे तेव्हा या व्यवस्थेमध्ये त्याला घुसू देत नाही, उलट घुसखोरी करत आहे। बोगसांची धनगर सारख्या चांगल्या चांगल्या जमातीला आदिवासींमध्ये टाकत आहे, हे कुठेतरी आरएसएसचं षडयंत्र आहे। आपको बता दें कि आदिवासी कृति समिति की ओर से 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू है और आज कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार की प्रतिनिधि के तौर पर आए हुए आदिवासी विकास विभाग के मंत्री विजय कुमार गावित द्वारा मांगे पूरी करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मंत्री द्वारा मांगे पूरी नहीं करने का आश्वासन सिर्फ मौखिक रूप से दिया गया है, जिसके बाद आंदोलनकारियों के कुछ मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के समर्थन में थे तो कुछ कट लिखित रूप में आश्वासन की मांग पर अड़े हैं। अब देखना होगा कि यह आंदोलन आगे किस दिशा में जाता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर और राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।